दोस्तों यदि आप भी युवराज सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक पे शतक और फिर दोहरा शतक, भारत को मिला युवराज सिंह जैसा खौफनाक बल्लेबाज। वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया, और अब उनके ही जैसा एक बल्लेबाज गेंदबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है। आखिर कौन है वो खिलाड़ी जो लगाता है युवराज सिंह के जैसे छक्के, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि युवराज सिंह और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों युवराज सिंह वो नाम है जिसका जिक्र आते ही बड़े से बड़ा गेंदबाज सहम जाता है, चाहे वो ब्रेटली हो या फिर लसित मलिंगा, चाहे वो इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हो, चाहे कोई भी हो, सिक्सर किंग युवराज सिंह के सामने हर कोई पानी भरता नजर आता था। इसी कारण से आज भी युवराज सिंह का नाम विश्व के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में होता है। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में तहलका मचाया था और स्टुअर्ट ब्रॉड को अपने रौद्र रूप को दिखाते हुए उन्हें उनके ओवर में लगातार हैरतअंगेज 6 छक्के जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के वो सितारे हैं जिनके बिना हम तो शायद ही 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप जीत पाते, क्योंकि दोनों ही टूर्नामेंट में युवराज सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2011 विश्व कप में कैंसर से लड़ते हुए भी युवराज सिंह ने भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी और विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर भारतीय टीम को पूरे 28 साल बाद विश्व विजेता बनाया था। युवराज सिंह की उपलब्धियों की बात करनी शुरू की जाए तो उनके लिए कई दिन कम पड़ जाएंगे। उनके रिटायरमेंट से भी भारतीय टीम को उनके जैसे दिग्गज खिलाड़ी की कमी खल रही है, लेकिन अब घरेलू क्रिकेट में एक ऐसा उभरता हुआ सितारा सामने आया है जिसका प्रदर्शन युवराज सिंह से मेल खाता है। जी हाँ, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अंडर-19 क्रिकेट से लेकर IPL में तहलका मचाने वाले यशस्वी जायसवाल है। आपको बता दें कि दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन से खेलते हुए यशस्वी ने चौके और छक्कों की बरसात कर 265 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें उन्होंने 34 से भी अधिक गेंदों की बाउंड्री को पार पहुंचा दिया और 144 रन तो मात्र चौके और छक्कों से ही बटोर लिए थे। दोस्तों टेस्ट मैच होने के बावजूद यशस्वी ने इस रवैये को दिखाया वो सब देखकर हैरान रह गए और एक बार फिर से युवराज सिंह की याद दिला दी। हर कोई पहली बार जब यशस्वी को देखता है तो हैरान हो जाता है, और यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया और इससे पहले भी घरेलू क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी में उनके नाम दोहरा शतक है। YPL में भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अपना जलवा बिखेर चुके हैं, जहां उनकी 68 रनों की तूफानी पारी को शायद ही कोई प्रशंसक भूल पाएगा। 2022 के सीजन में राजस्थान ने पूरे 4 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें अपनी टीम में बरकरार रखा था। यशस्वी जायसवाल के इन्हीं सब करिश्मों को देखते हुए उन्हें बहुत जल्द भारतीय टीम में बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी उनके करियर की शुरुआत है, लेकिन इस खिलाड़ी की प्रतिभा का लोहा सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी भी मान चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कहां तक सफर तय कर पाएगी, सेमीफाइनल तक या फाइनल तक या फिर लीग स्टेज तक? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।